बाराबंकी जनपद के सरकारी विद्यालयों की स्थिति बहुत खराब। प्राइमरी विद्यालय पर्वतपुर में भवन जर्जर घोषित 5 वर्ष पहले कर दिया गया था, लेकिन सरकार देखने के लिए तैयार नहीं है कि लगभग 300 के करीब गांव के छोटे छोटे बच्चे विद्यालय में अपनी जान को जोखिम में डालते हुए जर्जर भवन के नीचे व बाहर मैदान में बैठकर शिक्षण कार्य करने को मजबूर हैं। शिक्षा मंत्री के कान पर जूं रेंगने को तैयार नहीं, ग्रामीण न्याय के लिए लगा रहे गुहार। बताइए क्या समस्या है जी। प्राथमिक विद्यालय पर्वतपुर जो न्याय पंचायत डुहुआ लगता है, विकासखंड सूरतगंज और जिला बाराबंकी में पड़ता है। लगभग 4-5 सालों से ये बिल्डिंग खड़ार है और हम लोगों के बच्चे यहाँ पर पढ़ने के लिए मजबूर हैं। मैदान में, फील्ड में धूप में बैठ करके अपना शिक्षण कार्य करते हैं और हमारे टीचर स्टाफ के द्वारा कई बार प्रशासन को अवगत कराया गया, किंतु अभी तक इस पर कोई कार्यवाही सरकार के द्वारा नहीं की गई है। सरकार से क्या चाहते हैं? सरकार से यह अपेक्षा है कि जल्द से जल्द हमारे ननिहाल बच्चों के लिए बिल्डिंग मुहैया करा दे, ताकि उनका सामना करना ना पड़े, हमारे बच्चे धूप में बैठकर शिक्षण कार्य ना करें। जी ठीक, बताइए क्या समस्या है विद्यालय से। मैं एक दिव्यांग आइकन हूँ यहाँ का, और ग्रामीण या अपने क्षेत्र के लिए या अपने डिस्ट्रिक्ट के लिए मैं हर संभव कोशिश कर रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा विकास किया जा सके जिस लेवल पर हो सके। तो चूँकि मैं इससे पहले तो यहाँ था नहीं, लेकिन जब मैं अब आया अपने डिस्ट्रिक्ट में, तो आज चूँकि मैं संडे है फिर भी, लेकिन मैं आज विद्यालय को अपने देखने आया कि क्या कंडीशन है यहाँ। विद्यालय को मैं देखा तो जैसे कि पूरा देख रहे हैं, लगभग 5-6 साल हो गए इसे कंटिन्यू शिकायतें आ रही थी कि जो भवन है पूरा जर्जर हो चुका है, लेकिन उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। 2 साल हो गए लगातार कंटिन्यू पत्रबाजी चल रही है, इसकी वजह से भवन को जर्जर घोषित तो कर दिया गया, लेकिन यहाँ पर कोई बड़े लेवल का अधिकारी देखने नहीं आया। जब भी कोई कंप्लेन हम लोग कर रहे हैं, देख रहे हैं कि आगे इसकी समस्या को उठाया जाए, तो सिर्फ वो कागज़ देख करके रह जा रहे हैं, बता दे रहे हैं हमारे पास फंड नहीं है, हम कहाँ से इसको कर रहे हैं। मैं इसीलिए चाह रहा हूँ कि आप लोगों के मदद से कि आगे बात सरकार तक पहुँचाई जा सके, ताकि जो विद्यालय में लगभग 300 की संख्या में बच्चे हैं, उनके सर पे छत नहीं है, वो खुले में बैठ करके धूप में अध्ययन करते हैं, अभी बीमार हो रहे हैं या उन्हें मानसिक संतुलन बिगड़ रहा है, तो चीज़ें सुधारी जा सके इसके माध्यम से। बच्चों की व्यवस्थाएं चीज़ें जो देखे हैं, तो ये ग्राम पंचायत पर्वतपुर जो ब्लॉक सूरतगंज के अंतर्गत आता है विद्यालय, इसकी जो सुविधाएँ एकदम चरमराई हुई हैं, प्रशासन पूरा सोया हुआ है। हम चाह रहे हैं कि आए और एक बार देखें और जल्द से जल्द उन 250 बच्चों के जो छत पे सर पे छत नहीं उसको देखाया और कंट्रोल करें, कम से कम प्रोवाइड कराएं। आप देख लीजिएगा जैसे कि है पूरा। मथुरा का प्रतिष्ठित आरके ज्वेलर्स, एक ऐसा नाम जहां मिलती है आपको शुद्धता की 100% गारंटी और मिलता है आभूषणों के खरा होने का विश्वास। साथ ही सोने चांदी और हीरे जवाहरात से बने सैकड़ों डिजाइन के आभूषण, जैसे लॉन्ग हार, माथा पट्टी, झूमर, बोलना, ब्राइडल सेट्स, रजवाड़ा सेट और भी बहुत कुछ। लगातार 35 सालों से आपकी सेवा में है तत्पर आर के ज्वेलर्स, छत्ता बाजार, होलीगेट, मथुरा। इनका नंबर है 7669181040।